हाय गाइज, मैं हूं लस गुप्ता और आप इस वीडियो में नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे। और अगर आपसे कोई जाना पूछता है नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में, तो आपके दिमाग में सिर्फ आता है नैनो कार। लेकिन नैनो कार सिर्फ नैनो टेक्नोलॉजी का एक छोटा सा पार्ट है। नैनो टेक्नोलॉजी नैनो कार से भी बहुत ही ज़्यादा बढ़कर है। तो अगर आपको नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में ज़रा सा भी जानना है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब आप सोचेंगे कि मैं नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में इतना सब कुछ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारा फ्यूचर नैनो टेक्नोलॉजी नाम की इस टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड है। तो चलिए इस वीडियो को हम जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं, और आप इस वीडियो को बिना स्किप करे ज़रूर देखिएगा। अगर आप मार्वल के फैन हैं, तो आपको नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में ज़रूर पता होगा, क्योंकि आयरन मैन हमेशा नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करता रहता है। और ब्लैक पैंथर का तो पूरा सूट ही उससे बना है, नैनो टेक्नोलॉजी से। आपको तो पता ही है, अगर आप मार्वल के फैन हैं, कि वो बहुत ही ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी मदद से कोई भी बड़ा सा बड़ी चीज़ छोटे आकार में बन जाती है। उसी तरीके से बनाया गया था ये नैनो टेक्नोलॉजी वाला आयरन मैन सूट। तो क्या ये ऐसी कोई चीज़ है रियल लाइफ में बन सकती है? हाँ, बन तो सकती है, लेकिन आप सोचेंगे कैसे? तो नैनो टेक्नोलॉजी का यूज तो बहुत टाइम पहले से होता आ रहा है। जो आपको चमकाद होते हैं, उसमें आपने देखा होगा बहुत छोटे छोटे पिंस होती हैं, या फिर आपने अगर कोई भी सर्किट देखा होगा, उसमें भी बहुत छोटी होती पिंस होती हैं, तो उसमें बहुत छोटे होते हैं सोल्डरिंग बीस भी होती हैं। तो उन सब को समझने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। शायद आपको इसके बारे में ना पता हो। अगर नहीं पता हो, तो आप हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आप कहीं चीज से चलते हो एडवांटेजेज हैं, तो नैनो टेक्नोलॉजी के बहुत सारे एडवांटेजेज भी हैं, बहुत सारे डिसएडवांटेजेज भी। उसके एडवांटेजेज इस तरीके से हो सकते हैं, जैसे हमें किसी के शरीर में से कोई बीमारी को ख़त्म करना है, और हमने नैनो टेक्नोलॉजी से बने हुए कुछ नैनो बॉट्स को उसे शरीर के अंदर भेज दिया। अब आप सोचेंगे तो वो कंट्रोल होंगे तो किस चीज़ से होंगे? तो कहीं भी चले आएंगे। हाँ, हो सकता है जी वो कहीं भी चले आए, लेकिन अगर हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है, तो हमें बॉडी के अंदर भी कुछ रेज भेजते या फिर नेटवर्क कनेक्शन बनाकर उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, और स्पेसिफिक बीमारी के वायरस या बैक्टीरियाज को अंदर ही अंदर ख़त्म कर सकते हैं। तो ये तरीका बहुत ही ज़्यादा हमारे काम आ सकता है। इसका दूसरा एडवांटेज है कि ये बहुत कम बिजली लेता है, या फिर कहें कि बहुत कम एनर्जी ये कंज्यूम करता है, और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एडवांटेज हमें देता है। या फिर कहीं छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये कुछ ऐसा ही मुहावरा टाइप हो गया। जैसे जो आपने आयरन मैन की मूवी में देखा ही होगा, उसका सिर्फ एक आर्क रिएक्टर था, लेकिन वो हल्क बस्टर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, जबकि हल्क बस्टर को तीन तीन आर्क रिएक्टर की ज़रूरत पड़ी थी। तो उसी तरह से नैनो टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है हमारे लिए। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।